हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड। आई एम सुनीता रावत, क्रिएटिव डिजाइनर एंड डीआईवाई स्पेशलिस्ट। ऑन माय चैनल यू कैन वॉच ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बर्थडे स्पेशल डेकोरेशन आइडिया, जिसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और अपने घर में ही बर्थडे पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बर्थडे डेकोरेशंस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ 4 शेड्स के बलून और फॉइल कर्टन सिल्वर कलर के। यहाँ पे मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, और हैप्पी बर्थडे बैनर ब्लैक कलर का, प्लस फॉइल बलून नंबर वाले, यहाँ पे नंबर वाले बलून्स मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं यूज़ करने वाली ट्रांसपेरेंट टेप, एयर फिल करने के लिए पम्प और कर्ली टेप, सीजर एंड बलून्स आर्च के लिए टेप। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉइल कर्टन। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 60 रुपीज़ है। आपको ये 60 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यहाँ पे मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आपको ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से इस तरह से वॉल पे स्टिक कर लेना होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 3x6 होती है। आप चाहिए तो 2 यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हैं बहुत ही इजी है इसे वॉल पे स्टिक करना। और ये हमने वॉल कवर कर ली है अराउंड 6x12। सो ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम लेंगे बलून्स, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड 4 शेड्स के बलून्स। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बलून्स को। और यहाँ पे मैं टोटल अगर काउंट करेंगे बलून्स तो अराउंड 50 to 60 बलून्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपको पंप की हेल्प से इस तरह से बलून को राउंड बलून फुलाना है, आपको लॉन्गेटेड बलून नहीं फुलाना है। तो इस तरह हम सारे बलून्स को फुला लेंगे पंप की हेल्प से। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ बलून आर्च बनाने वाला टेप। सो फ्रेंड्स, ये बलून्स स्ट्रिप्स आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसकी जो प्राइस है अराउंड 40 to 50 रुपीज़ है। और इस तरह से आपको 2 होल मिल जाते हैं इसके अंदर, जिसमें आपको बड़े होल में पहले बलून्स को डालना होता है और उसके बाद में इसको सिर्फ सरकाना होता है। इस तरह से आपको सारे बलून्स को इस पर अटैच कर लेना होता है, और बहुत ही ईजी है इसे मैनेज करना। एंड फ्रेंड्स, इसकी भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। सबसे टॉप कमेंट्स को आपको चेक करना है, आपको सारे लिंक्स वहीं मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको मैं अगेन दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको बलून्स को लेके इसके ऊपर जो होल है उस पर डालना होता है इस तरह से, और सिर्फ आपको आगे की तरफ मूव करना होता है, तो ये अटैच हो जाता है। तो बहुत ही ईजी है इसे मैनेज करना। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 5 से 10 मिनट के अंदर आपका बलून आर्च रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो बलून आर्च है बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसकी जो लेंथ है वो अपने डेकोरेशंस के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिप्स है वो अराउंड आपको 4 to 5 मीटर मिल जाएगी, जिससे आप अपने डेकोरेशंस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा बलून आर्च बिल्कुल रेडी हो गया है, और कुछ स्ट्रिप्स बच भी गई है। तो बची हुई स्ट्रिप्स को आपको इस तरह से एंडिंग पार्ट में राउंड करके इस पर ट्रांसपेरेंट टेप अटैच कर लेना है, और इसे कट नहीं करना है, बिकॉज आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है इसे हैंग करना भी। इसके अंदर जो होल बना हुआ है, आपको आपके वॉल पर जो भी स्क्रू है उस पर आपको इसे इस तरह से डाल देना है, और आगे की तरफ में इसे मूव कर देना है। सो ये अटैच हो जाएगा। साथ ही आप स्क्रू पे इस तरह के कर्ड रिबन को भी अटैच करके आप बलून को हैंग कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है, इस तरह से आपका जो डेकोरेशंस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से, या फिर आप बलून्स को वॉल पे स्टिक करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि बलून आर्च आपको उसी प्लेस पे लगाना है जहाँ पे आपको पीछे से कुछ स्टैंड हो, या फिर कर्टन का स्टैंड हो, या फिर आपके वॉल पे स्क्रू हो, तो ऐसे स्पेस पे आपको इसे अटैच करने के बहुत आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे बचे हुए बलून्स। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे साइज़ में कुछ बलून्स को फुला लिया था। इसे आपको ट्रांसपेरेंट टेप या फिर डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस तरह से अटैच कर लेना है, जहाँ पे आपको स्पेस ओपन दिख रही है वहाँ पे। तो इस तरह से बचे हुए कुछ 10-12 बलून्स को आपको इसके ऊपर अटैच कर लेना है। और अब हम यूज़ करने वाले हैं हैप्पी बर्थडे बैनर। और यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे बैनर लिया है, जो कि आपको अराउंड 60 रुपीज़ में मिल जाएगा किसी भी शॉप में। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये पूरा हैप्पी बर्थडे मिल जाएगा, साथ ही इसके साथ में एक थ्रेड मिलेगा, और उसकी हेल्प से आपको हैंग करना होता है। और बहुत ही आसानी से आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर होल बने हुए होते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ थ्रेड को पास करना होता है। आप चाहिए तो डायरेक्टली हैप्पी बर्थडे को
सिंगल पार्ट में इसे अटैच कर सकते हैं या आप इसे दो पार्ट में भी डिवाइड करके भी वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बिल्कुल हैप्पी बर्थडे रेडी है वॉल पे हैंग करने के लिए, और इसे भी आपको स्टिक करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप का ही इस्तेमाल करना है। सो इस तरह से आपको फॉइल कर्टन के ऊपर इसे अटैच कर लेना होता है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये रेडी हो गया है और मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स, और आपके जिसके भी बर्थडे हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके आपको उसका प्रिंटआउट को कट कर लेना है। और साथ ही मैं थोड़ा सा एक कार्डबोर्ड लूँगी, पतला सा मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके ऊपर इन फ़ोटोज़ को मैं अटैच कर लूँगी ताकि ये थोड़े से मोटे लगे, क्योंकि मैंने इसे प्लेन पेपर पे निकाला था। आप चाहे तो डायरेक्टली फ़ोटोग्राफ्स वाले प्रिंटआउट पे भी फ़ोटोग्राफ्स को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे भी अब हम कट कर लेंगे, और अब हमें इसे अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ कर्ली टेप। आपको कर्ली टेप को इसके पीछे ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से अटैच कर लेना है, और उसके बाद में इस तरह से बलून के ऊपर हैंग कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग इस लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही दूसरी फ़ोटोग्राफ्स को उसके पीछे। सो इसी तरह हम वन बाय वन सारे फ़ोटोग्राफ्स को इस तरह से हैंग करेंगे, और बहुत ही ईजी है कर्ली टेप की, या फिर आप नॉर्मल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में अगर सैटिन रिबिन है तो आप सैटिन रिबिन से भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, और जिसे भी सरप्राइज़ देना चाहते हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेके आप इस तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से हैंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉइल बलून्स, और फॉइल बलून्स के अंदर आपको इस तरह से स्ट्रॉ मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आपको फलून को फुलाना होता है, और साथ ही प्रेस करके इस तरह से लॉक कर लेना होता है। तो इस तरह से मैंने 1 और 6 नंबर्स के बलून्स लिए हैं। आप अपने एज के अकॉर्डिंग बलून्स को चूज़ कर सकते हैं, और इसे वॉल पे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट टेप। आपको ट्रांसपेरेंट टेप को इस तरह से डबल करते हुए इस पर लगा लेना है उल्टे साइड में, और आपको 2 या 3 जगह पर इस तरह से अटैच कर लेना है ट्रांसपेरेंट टेप को। और ये फॉइल बलून्स भी आपको सिंगल नंबर पर सारे नंबर्स मार्केट में मिल जाएंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बलून्स पे बिल्कुल रेडी है और लगाने के लिए वॉल पे, और साथ ही आप इसे चाहिए तो हैंग भी कर सकते हैं, इसमें ऊपर हैंग करने के लिए भी स्पेस होती है। सो इस तरह से हम दोनों नंबर्स को क्रॉस एंगल पे वॉल पे स्टिक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे बिल्कुल रेडी है पार्टी करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये सारा डेकोरेशंस मैंने अराउंड 300 to 400 में कंप्लीट किया है, एंड ये सारे डेकोरेशंस के मटेरियल्स आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे। ऑनलाइन के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टॉप कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, साथ ही आप अपने नियरेस्ट ऑफलाइन शॉप्स में भी परचेज कर सकते हैं, आपको इनके नाम मिल जाएंगे मेरे वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स, हमारी पार्टी के लिए हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल भी होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। सो बाय एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।